दिल्ली में खोले जाएंगे 1 नवंबर से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरे रामदास अठावले, बोले समीर दलित परिवार से आरक्षण लेने का है अधिकार। राहुल गांधी ने सरदार पटेल को उनकी जयंती पर किया याद, कहा लौह पुरुष के योगदान को याद रखना महत्वपूर्ण। सुपरस्टार रजनीकांत का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन, 29 अक्टूबर को हुई थी ब्रेन सर्जरी। गोरखपुर में बीजेपी पर बरसे प्रियंका गांधी, कहा कहीं भी बीजेपी का विकास नहीं दिखा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। 31 अक्टूबर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गोरखपुर पहुंची। चंपा देवी पार्क में आयोजित हुआ कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी पहुंचे। भरूना में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर 146वीं जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक दिल्ली में बनाने की मांग उठाई। परिवार कलह पर पूछे गए सवाल से बचती दिखी अनुप्रिया पटेल ने कुछ बोलने के बजाय हाथ हिलाकर कुछ कहने से भी इनकार कर गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे मिर्जापुर जनपद के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकगण, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्तागण, नेतागण और प्रशासनिक अधिकारी, यानी पूरा मिर्जापुर यहां पर इकट्ठा होकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पुष्पार्चन कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है, उनके विशाल व्यक्तित्व को और राष्ट्र के प्रति उनके अनंत भक्ति को याद कर। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सपा एवं जनवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। इसी कड़ी में जनवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और उपाध्यक्ष हसीब खान बलरामपुर जनपद के उतरौला विधानसभा के सादुल्लाह नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान वहां समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोग अपने राजनेता को देखने के लिए उमड़ पड़े, तो वहीं चौहान समाज की इस रैली में जहां पुरुषों का भीड़ देखने को दिखाई थी, तो वहीं महिलाएं भी इस समय अछूती नहीं रही। दूसरी तरफ जनसभा में महिलाएं भी हसीब खान के विचारों को सुनने के लिए प्रेरित नजर आई। जनता के संबोधन के दौरान हसीब खान ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उतरौला विधानसभा से सड़कों की जो स्थिति है वो कहीं कहने योग्य नहीं है। भाजपा सरकार पूर्व में ये कहती आई है कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सड़क में गड्ढा नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क है। आज जो हमारा प्रोग्राम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें पूरे देवीपाटन मंडल में विधानसभावार हर विधानसभा में हमारा एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, चौहान समाज के लोगों को एकत्र किया जा रहा है कि कैसे चौहान समाज के लोगों को एकत्र करके, इकट्ठा करके माननीय अखिलेश यादव जी।
भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश का अनंतराम टोला प्लाजा पर जोरदार स्वागत हुआ। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रांशु दत्त का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं पिछली सरकारों में नौकरी के नाम पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना पैसे के नौकरी दी है। वहीं 2022 के चुनाव में हर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से सभी बूथ तक जाने की अपील की है। भाजपा की सरकार और दूसरी सरकारों में जो जमीन आसमान का अंतर है, तो भाजपा की सरकार ने काम किए पिछले 4.5 साल उनके आधार पर चुनाव में जाएंगे। और ये स्पष्ट है कि नौजवानों में विशेष रूप से बहुत जबरदस्त उत्साह है। उसका कारण भी है कि पुरानी सरकार में जो भी नौकरी होती थी वो केवल एक जाति के लोगों को मिलती थी और पैसा लेकर मिलती थी। इस सरकार ने अब तक 4.5 लाख से अधिक नौकरियां दी है, पिछली सरकार से लगभग 2 गुनी नौकरी दी है और किसी को भी कोई पैसा नहीं देना पड़ा है। जो भी योग्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आगरा सर्किट हाउस में दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। साथ ही 2022 विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयारी की जा रही है। आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरव की दिन है। देश की एकता को बनाने वाले हम सभी के अत्यंत श्रद्धा के केंद्र लौह पुरुष सरदार पटेल जी की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सही श्रद्धांजलि देते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कभी कभी लगता है सरदार जैसे बड़े व्यक्तित्व की देश को अखंड बनाने में, देश को आज़ादी दिलाने में उनकी जो बड़ा योगदान रही है, किसानों के बारे में उनकी जो जिम्मेवारी रही है, देश ने उनको। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। इसी के साथ विभिन्न विभागों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ आगामी चुनाव के दृष्टिगत बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट ये सब आ चुके हैं। 27 तारीख से इनकी एफएलसी प्रारंभ हो गई है और हमारे 3 इंजीनियर आ चुके हैं जो फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य कर रहे हैं। तो उसी का इंस्पेक्शन करने में गया था कि ये लोग प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं या नहीं। तो 3 इंजीनियर लगे हुए हैं, अब तक 240 मशीनों की हमारी एफएलसी। कलेक्ट्रेट परिसर बहजोई में राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। जिलाधिकारी ने सभागार में उपस्थित लोगों को राष्ट्र के प्रति एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने रन फॉर दी नेशनल प्रभात फेरी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आजमगढ़ जाएंगी। जिले में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी और साथ ही यूपी के राज्यपाल 1 नवंबर को पुलिस लाइन के हेलीपैड पर पहुंचेंगी, जिसके बाद वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और ब्लैक पॉटरी के उत्पादनों का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड का लाभार्थियों को वितरण करेंगी और स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक करके उन्हें वित्तीय सहायता देंगी। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में ODOP प्रदर्शनी के तहत ब्लैक पॉटरी के उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगी। माननीय गवर्नर महोदया का जनपद में 1 और 2 तारीख को यहाँ पे जनपद में आगमन है, जिसके तहत कई कार्यक्रम होने हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से उनका माननीय गवर्नर महोदया
संवाद करेंगी, उनसे उनके बारे में क्या कार्यक्रम है और क्या और आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जेल में जो बंद कैदी हैं उनके वेलफेयर के बारे में बात करेंगे और साथ में जो वेलफेयर की स्कीम चल रही है वृद्धाश्रम के बारे में वार्ता करेंगे, टीबी के प्रोग्राम के बारे में और जो भी। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों की तरफदारी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुरू कर दी है, जिससे अब राजनीति भी गर्मा गई है। उमर अब्दुल्ला ने आगरा अधिवक्ताओं के कश्मीरी छात्रों के केस में पैरवी नहीं करने पर एक ट्वीट किया है, जिससे आगरा के अधिवक्ताओं में गुस्सा देखने को मिला है। आगरा दीवानी के पास मंदिर के पास अधिवक्ताओं ने पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और इमरान नबीदार की फोटो को जूते से पीटकर और पुतला फूंककर विरोध जताया। कहा कि जो भी अधिवक्ता देशद्रोही कश्मीरी छात्रों के मुकदमे की पैरवी करेगा उन्हें गुलाब का फूल देकर विरोध जताएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष मतदान पुनरीक्षण के तहत 1 नवंबर से अभियान शुरू कर दिया है। ये विशेष अभियान 30 नवंबर 2021 तक चलाया जाएगा। इसके तहत नए मतदाताओं को मतदान सूची से जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने सभी ARO और BLO को मतदान पुनरीक्षण कार्य के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि BLO को अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से निभाते हुए सही तरह से रजिस्ट्री तैयार करने होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद जालौन में भी 1 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अंतर्गत 1 नवंबर 2021 को हम निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन करेंगे और इसके लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा जनपद स्तर पर। और इसके अतिरिक्त ये जो हमारी प्रक्रिया है वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। इसी में हम दावे और आपत्तियां भी प्राप्त करेंगे। विशेष अभियान की जो तिथि है वो 7 नवंबर 13 नवंबर 21 नवंबर और 27 नवंबर है और इन दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो होगा वो 5 जनवरी को होगा। ये सूची हम अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की। जिले के डी थाना क्षेत्र स्थित कचनावा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब घर में एक युवती और नाबालिग छात्रा का शव घर के अंदर मिला। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय डी थाना की पुलिस मौके पर भी नहीं पहुंची। वहीं सलोन थाना पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले के खुलासे में कई टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही मामले का खुलासा होगा। सूचना मिली थी कि एक राधा सिंह करके महिला है, वो अपनी भांजी के साथ अपने घर पे रह रही थी। इन दोनों की डेड बॉडी इनके घर में मिली है। यहाँ मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ और अन्य SOG और थाने की टीमों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके से कुछ एविडेंस मिले हैं जिसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। उन्नाव पुलिस और SOG टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोकशी करने वाली 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त जंगलों में बेजुबान का कत्ल करते थे। मुखबिर की सूचना पर पूर्वा पुलिस और SOG टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 5 अभियुक्त जनपद के और 2 गैर जनपद के बड़े अपराधी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। प्राइम TV के साथ बने रहिए आप।